हाय गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो है जिक्सा BS6 वर्सेस अपाची 164 बी BS6 के बारे में। बेसिकली इन दोनों बाइक की जो प्राइस है वो एक ही सेगमेंट में है, लेकिन दोनों बाइक के अंदर जो फीचर्स मिलता है वो थोड़ा अलग अलग है। तो गाइस आप में से जो भी जानना चाहते है कि इन दोनों बाइक में से बेस्ट बाइक कौन सा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इन दोनों बाइक की फीचर्स और प्राइस कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों बाइक में से बेस्ट बाइक कौन सा है और आपको कौन सा बाइक खरीदना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड डिजाइन की। जिक्सर बेसिस के अंदर आपको लुक एंड डिजाइन के मामले में उतना खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जैसा डिजाइन आपको BS4 में मिलता था वैसा ही डिजाइन आपको BS6 के अंदर आपको मिलेगा। कलर ऑप्शन की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा ग्लास पर्कल ब्लैक, मेटालिक सोनिक सिल्वर और तीसरा कलर ऑप्शन आपको मिलेगा मेटालिक ट्राइटन ब्लू। और दूसरी तरफ अपाची 160 की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको न्यू टाइप का ग्राफिक्स मिलेगा, उसके साथ साथ न्यू टाइप का हेडलाइट की डिजाइन मिलेगा। कलर ऑप्शन की बात करें तो आपको 3 न्यू कलर ऑप्शन मिलेगा जो रेड ब्लू और ब्लैक। फीचर्स की बात करें तो जिक्सर के अंदर आपको इंजन मिलेगा 155cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जहां पर पावर फिगर्स की बात करें तो मैक्सिमम पावर आपको मिलेगा 40.1 BHP का जो प्रोड्यूस करता है 8000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा 14 Nm का जो प्रोड्यूस करता है 6000 RPM। और दूसरी तरफ अपाची 160 के अंदर आपको मिलेगा 159.7cc का सिंगल सिलेंडर SI ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जहां पर पावर फिगर्स की बात करें तो मैक्सिमम पावर आपको मिलेगा 16.02 BHP का जो प्रोड्यूस करता है 8250 RPM और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा 14.12 Nm का जो प्रोड्यूस करता है 7250 RPM। मतलब पावर एंड टॉर्क के मामले में अपाची 160 जिक्सर से थोड़ा बेहतर है। ब्रेकिंग सिस्टम एंड सस्पेंशन की बात करें तो जिक्सर की फ्रंट और रियर दोनों साइड में आपको मिलेगा डिस्क ब्रेक, उसके साथ ही सिंगल चैनल ABS। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट साइड में आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक फोर्क, रियर साइड में आपको मिलेगा मोनोशॉक सस्पेंशन। और दूसरी तरफ अपाची 160 की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 270mm का डिस्क ब्रेक, रियर साइड में आपको मिलेगा 200mm का डिस्क ब्रेक, उसके साथ ही सिंगल चैनल ABS। सस्पेंशन आपको फ्रंट साइड में मिलेगा टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर साइड में आपको मिलेगा मोनोशॉक सस्पेंशन। माइलेज एंड बाइक डायमेंशन की बात करें तो सुजुकी का मानना है कि जिक्सर BS6 का एवरेज माइलेज है 50 किमी पर लीटर की। बाइक डायमेंशन की बात करें तो इस बाइक की लेंथ है 2020mm का, विड्थ है 800mm का, हाइट है 1035mm का, व्हील बेस है 1335mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है 160mm का। और दूसरी तरफ अपाची 160 की माइलेज की बात करें तो TVS का मानना है कि इस बाइक की एवरेज माइलेज है 50 किमी पर लीटर की। मतलब माइलेज के मामले में दोनों बाइक की माइलेज एक जैसा ही है। बाइक डायमेंशन की बात करें तो इस बाइक की लेंथ है 2035mm का, विड्थ है 790mm का, हाइट है 1050mm का, व्हील बेस है 1357mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है 180mm का। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में अपाची 160 ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज्यादा है जिक्सर के मुकाबले। बाइक वेट एंड एडिशनल फीचर्स की बात करें तो जिक्सर का वेट है 140 kg और इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा LED हेड लैंप, LED टेल लैंप, डीजल कंसोल, स्पोर्टी डुअल मफलर, 5-speed गियर बॉक्स। और दूसरी तरफ अपाची 160 का वेट है 149 kg और इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा LED हेड लैंप, टेल लैंप, LED इंडिकेटर, LED पायलट लैंप, डिजिटल कंसोल, 2 लीटर फ्यूल टैंक, 5-speed गियर बॉक्स। मतलब वेट के मामले में अपाची थोड़ा भारी है जिक्सर के मुकाबले। प्राइसिंग की बात करें तो जिक्सर के अंदर आपको एक ही ब्रांड मिलेगा जिसका प्राइस है 1.11 लाख एक्सोरूम डेली। और दूसरी तरफ अपाची के अंदर आपको दो ब्रांड मिलेगा, जहां पर ड्रम ब्रांड का प्राइस है 1 लाख रुपीज एक्सोरूम और डिस्क ब्रांड का प्राइस है 1 लाख 4000 रुपीज एक्सोरूम। मतलब अपाची की प्राइस जिक्सर से थोड़ा कम है। तो अब बात आती है इन दोनों बाइक में से बेस्ट बाइक कौन सा है और आपको कौन सा बाइक खरीदना चाहिए। तो गाइस मेरे हिसाब से अपाची 164 भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको मिलता है पावरफुल इंजन, ज्यादा पावर, ज्यादा टॉर्क, न्यू डिजाइन। इसके अलावा इस बाइक की प्राइस जिक्सर के मुकाबले काफी कम है, इसलिए ये बाइक मैं आपको रेकमेंड करूंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है इन दोनों बाइक के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और उसके साथ ये भी बताना कि इन दोनों बाइक में से आपका पसंदीदा बाइक कौन सा है और आप कौन सा बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।